की गिरफ्तारी के बाद अब सीबीआई को यह साबित करना है कि जिन सबूतों का वो दावा कर रहे हैं उनके पास है या नहीं। मामला कानूनी रूप से तो आगे बढ़ेगा ही, लेकिन ये सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट बन गया है सरकार और विपक्षी पार्टियों के बीच में, क्योंकि अब तमाम विपक्षी पार्टियां एक सुर में कह रही हैं कि एजेंसियों का इस्तेमाल बीजेपी करती है विरोधियों को ध्वस्त करने के लिए। मनीष सिसोदिया पर सीबीआई के एक्शन पर आम आदमी पार्टी सड़कों पर है, तो वहीं विपक्ष ने एक सुर में केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए मोदी सरकार को घेरा। सियासी तूतू मैमे से पहले 5 दिन की रिमांड पर बीजेपी का रिएक्शन सुनिए। मनीष सिसोदिया के केस में शराब घोटाले में सीबीआई ने 5 दिन की रिमांड मांगी और माननीय कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड दे दी। अब सारे धागे खुलेंगे जब बैठेंगे सभी आरोपी एक साथ और होगा दूध का दूध शराब का शराब। नई शराब नीति में हुए घोटाले के आरोप को लेकर वैसे बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच जबरदस्त जुबानी दंगल जारी है। सीबीआई ईडी कुछ नहीं है, जो सब कुछ हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से हो रहा है। वही लोग हैं जो बताते हैं कि आज इसको गिरफ्तार करना है, आज इसके ऊपर झूठा मुकदमा करना है, आज इन लोगों को पकड़ना है, और हम पूरे देश को दिखाना चाहते हैं किस तरीके से इन सभी एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है। और जो स्टिंग आई, स्टिंगों में खुद लोगों ने कहा कि आधा पैसा अवैध रूप से इन्होंने हमसे वापस लिया है। वो स्टिंग तो बीजेपी ने नहीं किए थे, वो स्टिंग आए थे, इन्हीं के लोगों ने स्टिंग किए हैं, वही स्टिंग सामने आए थे। तो इसीलिए एक्साइज मिनिस्टर होते हुए बीजेपी का अगर कोई भी किसी प्रकार के वेंडेटा होता तो भारतीय जनता पार्टी का क्या लेने देना। जो एजेंसियां हैं, सीबीआई है, ईडी है, ये एजेंसियां को फ्रीडम दी गई है मोदी साहब के द्वारा। आरोप प्रत्यारोप की रनिंग कमेंट्री आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच ही नहीं है, विपक्ष भी सीन में आ गया, कांग्रेस पर तंज कसते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। कानून कानून होता है और कानून में अगर आप गलत काम नहीं किया है तो कोर्ट तय करती है, सड़क थोड़ी तय करता है। जिस तरीके से इन्होंने पहले सड़कों पे जाकर तूफान मचाया था इस देश में और तमाम लोगों को भ्रष्ट डिक्लेयर किया था, आज वही उल्टा इन पे पड़ रहा है। कांग्रेस का यही आरोप है कि जब आम आदमी पार्टी पर शिकंजा कसा तो वो सड़कों पर उतरी, वहीं विपक्षी पार्टी पर केंद्रीय एजेंसियों का हंटर चलता है तो आम आदमी पार्टी मौन धारण कर लेती है। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सिसोदिया के बहाने हमला बोला। बीजेपी जब से सत्ता में आई है उसकी कोशिश रही है जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनका गलत इस्तेमाल किया जाए, और जिस तरीके का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी का रहा है, सरकार का रहा है, लगातार इस तरह के विपक्षी जितने भी नेता उनके खिलाफ जांचें चल रही हैं। कहते थे हम महात्मा गांधी और शहीद भगत सिंह के अनुयायी हैं, उन्होंने तो देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, और आप लोग एक करप्ट बेईमान और जिसने करोड़ों रुपए इकट्ठा किया, और ना केवल पैसा इकट्ठा किया, शराब के कारोबार में पैसा इकट्ठा किया, लोगों को नशा बांट कर पैसा इकट्ठा किया। उधर बीजेपी के डिप्टी सीएम ने भी मोर्चा संभाला, पूछा देश में ये क्या हो रहा है। पूरा देश जान रहा है कि क्यों हो रहा है, जो असल मुद्दा था उससे जो है ध्यान तो भटका ही दिया गया। जैसे जैसे चुनाव पास आएगा वैसे वैसे ही सभी विपक्षी दलों के नेताओं पर इस तरह का कार्रवाई करवाएंगे। ये जो दुशाला ओढ़ने का प्रयास कर रहे हैं ना, कभी भगत सिंह के नाम का, कभी देशभक्ति के नाम का, कभी ईमानदारी के नाम का, ईमानदारी का नाम लेकर इन्होंने सरकार जरूर बनाई थी, लेकिन सबसे ज्यादा बेईमान ये लोग साबित हुए, हर चीज के अंदर घोटाला है। अभी 2 दिन पहले ही मुंबई में केजरीवाल ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की थी, लिहाजा टीम उद्धव ठाकरे ने भी मोदी सरकार को घेरने में देर नहीं लगाई। जहाँ जहाँ उनकी सरकारें नहीं है, जहाँ जहाँ से सरकार को सवाल पूछे जाते हैं, उस सभी जगह पे सरकार ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके अपने विरोधियों को एक तो जेल में डाल रही है या उनको सरेंडर करने पर मजबूर कर रही है। अगर आप भ्रष्टाचार करेंगे तो नतीजा तो उसका उसी प्रकार का होगा जो भ्रष्टाचारी के साथ होता है। आप अगर पेड़ जो है वो बबूल का लगाएंगे तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि उसमें आम आएगा, आम तो नहीं आएगा। अभी मनीष सिसोदिया पर बीजेपी बनाम आपकी फाइट का पहला दिन है, अभी 4 मार्च तक मनीष सिसोदिया रिमांड पर रहेंगे और तब तक आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन जारी रखने का प्लान बना चुकी है।
यानी अब की बार लड़ाई तो धुआंधार है। आज तक भी रोता।